सर का तो चोर है, लोकल ट्रेन में जाने का मंदा पड़ रहा है, बुलेट चलने लगे क्या करे। सब कोई ट्रैवल करना है तो लोग क्या करते हैं, खुद को खुद की सेफ्टी ज्यादा प्रायोरिटी करते हैं। एक दो बार मैंने देखा है मेरे सामने दो तीन लोग गिर गए। प्रॉब्लम था कि रश में ना मेरा दुपट्टा फंस गया था और मैं बाहर थी दुपट्टा अंदर, ट्रेन चलने वाली थी। रिस्की भी है और क्या बोलते तकलीफ का भी है। Everyone, this is Prashasti and you're watching me on Midday. And currently I'm standing at the Bandra local station and I was very curious to know that how do people in Mumbai travel via locals every day and what kind of challenges do they face, especially during the peak hours, during the rush hours. So let's go and talk to them. So locals, so you travel every day? Yes. जो लोकल का एक्सीलेटर है जो नॉर्मल अप डाउन करने के लिए होता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं, उसका बटन है जो ना स्टॉप का वो ओपन है, तो बार बार प्रेस कर देते हैं जिससे वो स्टॉप हो जाता है, लोग दबा दबा के उसको बंद कर देते हैं, तो उसका कुछ इश्यू अगर सॉल्व हो तो अच्छा होगा। ज़्यादातर रश आवर में ही आता है क्योंकि चढ़ने नहीं मिलता है, लोग दरवाजे के ऊपर इतना ब्लॉक करके बैठ जाते हैं कि उतरने भी नहीं मिलता है, चढ़ने को नहीं मिलता है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो वही है। जैसे कि अभी ये बांद्रा स्टेशन में यहाँ के हम लोग रुकते हैं हार्बर लाइन के लिए, मतलब जो भी अभी वडाला की तरफ जाते हैं ना, वो आधा घंटा पौना घंटे के बाद एक एक लोकल आती है, कभी कभी तो एक घंटे के बाद आती है। तो जैसे पहले एक लोकल अगर मिस होती है तो हम लोगों को आधा घंटा उससे भी ज़्यादा टाइम रुकना पड़ता है। Some hygienic problem, some bad things. मतलब some people are like that. They are eating something and throwing. They're not throwing outside. It's bad, yeah. हम लोग का ट्रेन क्या रुका रहता है, आधा आधा घंटा एक घंटा रुका रहता है, कभी कोई चैन खींच देता है। रश का कुछ तो इतना कोई प्रॉब्लम है, तो आदत सी हो गई है इतने रश में, तो अभी उसका कोई इश्यू नहीं है, बट हाँ कभी कभी हो जाता है कि लोग सबको ही ट्रैवल करना है तो लोग क्या करते हैं, खुद को खुद की सेफ्टी ज़्यादा प्रायोरिटी करते हैं, तो दूसरा सेफ रहे ना रहे उसका कुछ इशू होता नहीं है, तो लोग वही करते हैं। एक दो बार मैंने देखा है मेरे सामने दो तीन लोग गिर गए। ऐसे की ट्रेन को ना लोग को थोड़ा अफोर्डेबल प्राइस में करना चाहिए, क्या हम सब भी अफोर्डेबल करें, हम लोग भी जाए इसी में वैसा। आपके साथ मतलब कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि चोरी हुई हो आपके साथ? ऐसे बहुत नहीं, चोरी मेरे साथ तो नहीं हुई है, बट जिस हाँ देखा तो बहुत चोरी है कि लोग हो जाता है कि नहीं, लोग नॉर्मली फोन में घुसे रहते हैं, बैग पीछे रख लेते हैं, तो लोग पीछे से बैग भी से कुछ भी निकाल लेते हैं, लोग खुद भी थोड़ा अलर्ट हो तो उनको भी अच्छा होगा और बाकी अथॉरिटीज को भी अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का होता है ऐसा, किसी का फोन जाता है, किसी की पर्स जाती है, ऐसा होता है। मैं फर्स्ट टाइम मम्मा के साथ ट्रेन पे गई थी तो वो विरार साइड हुआ था एक एक्सीडेंट। चोरी तो हुई, दो तीन बार मेरा मोबाइल गया है। अरे बाप रे। जेब से मार देते हैं, अभी भीड़ में उतरते समय मार, चढ़ते समय तो नहीं लेकिन उतरते समय मारा है। गाड़ी जब थोड़ी सी स्टार्ट होती है ऐसा 10-20 फीट आगे जाती है गाड़ी, तो उसके बाद में वो जैसे किसी का पॉसिबल है हाथ में फोन है तो जो नीचे खड़ा है वो आदमी फोन खींच लेता है, ट्रेन तो आगे चली जाती है, कुछ लोग उसको पकड़ना चाहते हैं लेकिन वो सीढ़ी से ऊपर भागते हैं। मेरे साथ तो अभी कैसा हुआ तो नहीं है, आगे कुछ बोल नहीं सकता है। तो मुंबई में जो न्यू आए हैं जो लोग और जिन्होंने लोकल अभी अभी ट्रैवल करना स्टार्ट किया है, उनके लिए कोई सजेशन होगा आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट, जिसके पास पेशेंट है वो, मैं भी अभी मतलब 2-3 ट्रेन में छोड़ देती हूँ इस वजह से क्योंकि लेट होता है, मम्मा लोग भी बोलते हैं हरी ट्रेन में मत चढ़ो। गर्दी देख के जो नए लोग रहते हैं उनको लगता है किधर जाओ किधर जाओ, अगर आपको नहीं पता तो एक दो बार पूछ लो किसी से, क्योंकि नहीं तो लोग किधर के किधर पहुंच जाते हैं। केयरफुली आप ट्रैवल करो क्योंकि अभी पहले जैसा मुंबई है नहीं, बहुत रश होती है, तो थोड़ा केयरफुली। इन लोगों ने लोकल और थोड़ा बढ़ाना चाहिए, जैसे अभी वेस्टर्न में तो बहुत सारी लोकल है, सेंट्रल में भी है लेकिन हार्बर में बहुत कम है। रश के लिए ना अपन को ना मतलब एक लाइन बनानी चाहिए, एक आने के निकलने का, एक जाने का, सब लोग साथ में निकलते और साथ में जाते तो बहुत रश होता है। जो दरवाजे है वो बंद अगर रहेंगे तो जो दरवाजे वाले जो रहते हैं ना तो वो सब अंदर बैठ जाएंगे, तो चढ़ने उतरने वाले को इजी हो जाएगा। सब्सक्राइब टू मिडडे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।